नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की कवर्धा की खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की है। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से भोरमदेव में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और इसके बाद मुख्यमंत्री भोरमदेव मंदिर पहुंचे, जहां शिव मंदिर में विशेष पूजन अभिषेक भी किया गया और साथ ही प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई है। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज भोरमदेव के शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पुष्प वर्षा, कांवड़ियों पर पूजा अर्चना करते ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, और साथ ही जितने भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे उनका भी अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। तो ये तीनों ही तस्वीर सावन के तीसरे सोमवार की आपको दिखा रहे हैं। कवर्धा में भोरमदेव मंदिर पहुंचे विष्णुदेव साय और उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की है। जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और चंदन और दही से शिवलिंग पर अभिषेक किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की है। तमाम जितने भी कांवड़िये नीचे थे उन पर हर हर महादेव, बम बम भोले के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठा। विजय शर्मा डेप्यूटी सीएम भी मौके पर मौजूद रहे। आज सावन का तीसरा सोमवार और जांजगीर चांपा के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। शिवालयों में बोल बम के नारे गूंज रहे हैं, जयकारे गूंज रहे हैं। छत्तीसगढ़ की काशी माने जाने वाले खरौद के लक्ष्मेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। यहाँ भगवान राम और लक्ष्मण के स्वयं सवा लाख छिद्र वाले शिव की स्थापना की थी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सवा लाख अक्षत चढ़ाने से लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है और क्षय रोग से भी मुक्ति मिलती है। तो लक्ष्मेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता, मंदिर में बोलबम के जयकारे की गूंज और दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है। भगवान शिव को उनके पसंदीदा चीजों की जो है प्रसाद के तौर पर यहाँ पर श्रद्धालु लेकर पहुंच रहे हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है। मुंगेली के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु लोरमी के शिवघाट पहुंचकर भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं। लोरमी घाट स्थित शंकर मंदिर में आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। और अब कांकेर से खबर है, जहां स्कूली छात्रों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रयास स्कूल के छात्र सड़क पर बैठ चुके हैं, शिक्षक की कमी को लेकर वो धरना दे रहे हैं। कांकेर बाईपास सड़क को भी जाम किया गया है। शिक्षकों की कमी दूर करने की मांग पर लगातार जो छात्र हैं वो अड़े हुए हैं। ये कांकेर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां जितने भी छात्र हैं, छात्र छात्रा, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग पर अड़े हैं। शिक्षा की कमी को लेकर जो वो परेशानियों का सामना करते हैं उस पर उनकी कुछ मांगे हैं। खेम नारायण शर्मा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, क्या प्रदर्शन अभी भी जारी है? खेम नारायण, क्या अब तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर कांकेर के बाईपास में आज जो है प्रयास विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं वो सड़क पर चक्का जाम कर दिए हैं और इनकी एक प्रमुख मांग है कि इनके विद्यालय में जो है
शिक्षक की कमी है और शिक्षक बिना जो है कैसे ये पढ़ाई करेंगे। और लगभग जो है जिले में अधिकांश स्कूलों का यही हाल है कि वहां पर जो है एक एक टीचर जो है विद्यालय को संभाल रहे हैं। और ये प्रयास विद्यालय जो है एक जो बच्चों को की रेसिडेंशियल विद्यालय है, जहां पर जिले भर के समस्त ब्लॉक से जो है बच्चों का चयन किया जाता है, उसके बाद यहां पर पढ़ाई कराई जाती है। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं यहां पर चरमराई हुई हैं, शिक्षक नहीं होने के कारण से जो है पढ़ाई में बच्चों को बाधा हो रहा है, इसलिए वो बच्चे आज जो है सड़क पर घंटों भर से जाम लगाए हुए हैं और दोनों तरफ जो है गाड़ियों की कतार लगनी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, और ऐसे में देखा जा सकता है कि कैसे जो बच्चे हैं उनका यही कहना है कि जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाए, तभी ये प्रदर्शन खत्म हो। लेकिन अभिभावकों की तरफ से कुछ कहा जा रहा है क्या? अभिभावकों का क्या स्टैंड है? खेम नारायण, क्या तक आवाज आ रही है? जी जी खेम नारायण, अभिभावकों का क्या कहना है इस मामले में? जी देखिए, यहाँ ये जो बच्चे हैं प्रयास विद्यालय में पढ़ते हैं, ये बच्चे जो है बाहर से आए हुए हैं, इनका चयन हुआ है और कांकेर के जो शहर में रेसिडेंशियल विद्यालय बनाया गया है, हालांकि इनके साथ कोई अभिभावक नहीं है। ये जो है अपने जो शिक्षक की कमी है उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, इनके साथ अभी अभिभावक जो है नहीं है। और जो विद्यालय के जो छात्र हैं उन्होंने स्वयं ही जो है सड़क पर इस तरीके से चक्का जाम कर दिया है और यहाँ पर अभी कोई जिला प्रशासन की टीम नहीं आई है इनसे मुलाकात करने के लिए, हालांकि पुलिस जो है मौके पर अभी थोड़े ही देर पहले तैनात हुई है। जी बहुत शुक्रिया खेम नारायण जानकारी साझा करने के लिए। रायपुर से खबर, जहां फसल बीमा की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है, किसानों के फसल बीमा की अंतिम तारीख बढ़ी है, 16 अगस्त तक फसल का बीमा करा सकते हैं और तारीख को बढ़ा दिया गया है, 16 अगस्त तक फसल बीमा करा सकते हैं। केंद्र सरकार की सहमति के बाद जो तारीख है वो बढ़ाई गई है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है, पहले 31 जुलाई थी फसल बीमा की अंतिम तारीख, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी गई है। किसान अपनी फसल का बीमा 16 अगस्त तक करा सकते हैं, जिससे कि उनकी फसल को कुछ भी नुकसान होता है अगर तो उन्हें उचित मुआवजा मिले। अब 16 अगस्त तक फसल बीमा कराया जा सकता है, केंद्र सरकार की सहमति के बाद तारीख बढ़ाई गई है और प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद अब 16 अगस्त आखिरी तारीख की गई है फसल बीमा की। तो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अब और भी समय मिल गया है फसल का बीमा कराने के लिए, अब वो आराम से फसल बीमा करा सकते हैं, लेकिन 16 अगस्त तक, 16 अगस्त के बाद मौका नहीं मिलेगा। इससे पहले 31 जुलाई आखिरी तारीख थी, लेकिन इसको आगे बढ़ाकर 16 अगस्त की गई और अब 16 अगस्त तक फसल बीमा करा सकते हैं। खबर रायपुर से, जहां नगर निगम के एमआईसी की बैठक है आज और महापौर एजाज डेबर की अध्यक्षता में बैठक होगी। निगम क्षेत्र में जल भराव के मुद्दों पर चर्चा होगी, बैठक में शहर के विकास के मुद्दे पर मंथन होगा। नगर निगम सभा कक्ष में शाम 4 बजे बैठक होगी। और ये भी आपको बता दें कि इन दिनों काफी तेजी से मलेरिया, डायरिया, डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ी वजह इसकी होती है वो जल जमाव, लगातार हो रही बारिश की वजह से जल जमाव होता है और ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है आज की चर्चा का। दुर्ग से खबर, आज भिलाई वासियों को पानी कम मिलने वाला है, भिलाई वासियों की परेशानी एक बार फिर बढ़ सकती है, शहर वासियों को कम मात्रा में आज पानी मिलेगा, पानी की सप्लाई का समय तय नहीं किया गया है, शिवनाथ नदी पर बने इंटरक्विल का ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है, साइफन में कचरा फंसने की वजह से खराबी आई है,
आधी क्षमता के साथ इंटरक्वेल चल रहा है और आज भी भिलाई वासियों को पानी की किल्लत होगी। बहुत ही कम मात्रा में पानी की सप्लाई होने वाली है, लेकिन किस समय होगी अब तक इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। मिथिलेश ठाकुर संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी आपके पास? आखिर क्यों पानी की समस्या हर आए दिन हो रही है और अब जो समस्या पानी की देखने को मिलेगी वो कितने वक्त तक इसी तरह जारी रहेगी? देखिए, इसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन आए दिन जिस तरह से शहर में जो पानी की समस्या हो रही है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय है, क्योंकि लगातार ये देखा जाता है कि सप्ताह में एक या दो दिन ऐसी हालात बनते हैं जब लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। अब जो है भिलाई वासियों की एक बार फिर से समस्या बढ़ गई है, क्योंकि शिवनाथ नदी से जिस जगह से पानी आता है वहाँ इंटकवेल में जो है बार बार साइफन में कचरा फंस जा रहा है। इस वजह से जो ट्रांसफार्मर में नमी आ गई है और जो दो ट्रांसफार्मर से इंटकवेल के माध्यम से फिल्टर प्लांट तक पानी जाता था वो नहीं जा पा रहा है। एक ही ट्रांसफार्मर काम कर रहा है, जिस वजह से पानी काफी कम मात्रा में वहां पे पहुंच रहा है और इंटकवेल में जिस तरह से साइफन में बार बार कचरा फंस रहा है, इस वजह से वहां पर पानी को खींचने में भी काफी समस्या आ रही है। हालांकि इसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है सब बताते हैं, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा ये अभी कोई निश्चित नहीं है। ये जरूर कहा गया है कि लोगों को पानी तो मिलेगा लेकिन कम मात्रा में मिलेगा और काफी कई जगहों पर पानी नहीं भी मिल सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो ये जाहिर है कि लोगों को परेशान होना पड़ सकता है। ऐसे में लोगों को पानी बचाकर ही चलना एक अंतिम विकल्प माना जा सकता है, क्योंकि पानी जो है वो कब तक आएगा ये कोई निश्चित नहीं कहा गया है। तो अभी काम चल रहा है, देखने वाली बात ये होगी कि कब तक लोगों को राहत दी जा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी क्योंकि राहत जो है नहीं मिलेगी लोगों को, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। दुर्ग से खबर, जहां ऑनलाइन महादेव सट्टा पर कार्रवाई की गई है और ऑनलाइन सट्टा खिला रहा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कार में बैठकर सट्टा का संचालन कर रहा था। सट्टेबाजी में लाखों के लेन देन का भी खुलासा हुआ है। मिथिलेश संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, जो ये सट्टा खिलाने का पूरा नेटवर्क है, पूरा गैंग है, ये एक्सपोज कैसे हुआ, क्या कुछ पता चला है? देखिए, पुलिस को एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई कार में बैठा कर वहाँ पर सट्टा खिला रहा है, और यही वजह है कि जब ये सूचना प्राप्त हुई इसके बाद में पुलिस ने वहाँ पर जाकर दबिश दी। भिलाई के सेक्टर 1 में वहाँ पर देखा गया था कि एक पार्क के सामने में जो है वहाँ पर कार को रोक कर वहाँ पर सट्टा खिलाया जा रहा था। वहाँ पर पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा, जब उससे पूछताछ की गई तो सारे मामले का खुलासा हुआ। आरोपी जो है महादेव ऑनलाइन सट्टा का जो एक पैनल है रेडी अन्ना 128 नंबर का, उसको संचालित कर रहा था, जिसके पास से जब और डिटेल्स में छानबीन की गई तो ये पता चला है कि उसके मोबाइल से लाखों का लेन देन हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इसके जो मोबाइल फोन है उसको तलाशी ली जा रही है। निश्चित रूप से एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जब ये तलाशी पूरी हो जाएगी उसके बाद में हो सकता है कि और भी कई खुलासे हों। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। तो अभी इस फिराक में है पुलिस की, कितना बड़ा नेटवर्क है, कहां तक फैला है, इसके बारे में पता चल सके। कवर्धा की बात करेंगे, जहां वाटरफॉल में डूबे युवक का शव मिला है। रानी दहरा फॉल में एक युवक डूब गया जिसका शव मिला है। शाम 4 बजे करीब तलाशी की गई और डिप्टी सीएम अरुण साहब का वो भांजा निकला। तुषार बताया जा रहा है उसका नाम। दोस्तों के साथ वो घूमने के लिए गया था, लेकिन दुख की बात यह कि अब वो नहीं रहा। वाटरफॉल में डूबे युवक का शव मिल चुका है। रानी दहरा फॉल में डूबे युवक का शव मिला है। 4 बजे से ही तलाशी की जा रही थी। डिप्यूटी सीएम अरुण साहब का भांजा बताया जा रहा है तुषार। दोस्तों के साथ घूमने के लिए वो गया था। कवर्धा जिले के रानी दहरा जलप्रपात में डिप्यूटी सीएम अरुण साहब के भांजे की डूबने से मौत पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शोक संवेदना जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, रानी दहरा जलप्रपात में उप मुख्यमंत्री अरुण साहब जी के भांजे तुषार साहू के डूबने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। इस हृदय विदारक समाचार से मन अत्यंत व्यथित है। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करें। कवर्धा जिले का ये रानी दहरा जलप्रपात है, वाटरफॉल जिसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है, और यहाँ पर कई लोग पहुँचते हैं इस वाटरफॉल को देखने के लिए, यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए, यहाँ घूमने के लिए, लेकिन ये नहीं पता था कि
युवक डूब जाएगा और ऐसे में वो उप मुख्यमंत्री अरुण साहब का भांजा निकला। मनीष संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आपके पास क्या जानकारी, आखिर कैसे जो तुषार है जो कि डिप्टी सीएम का भांजा भी बताया जा रहा है वो डूब गया, क्या बहुत ज्यादा वाटर लेवल हाई था? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से अभी लगातार बारिश हो रही है, बीते 15 दिनों से जब से सावन माह की शुरुआत हुई तब से झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं और इसी इसमें जो वाटरफॉल है उसमें भी जो पानी की जो ये लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ था, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी प्रतिदिन पहुँचते हैं। तो ये जो बेमेत पर रहने वाले हैं उनके साथ भी तो डिप्टी सीएम अरुण साहब का भांजा तुषार था जो कि बताया जा रहा है कि वाटर लेवल एक तो बहुत ज्यादा भी था और यहां पर जब वो घूमने के लिए गया तो अचानक से वो डूब गया और डूबने के बाद काफी समय तक सर्चिंग की गई और तलाशी के बाद उसके शव को बाहर निकाला जा सका है। शाम 4 बजे से कल जो है तलाशी शुरू हुई और अब जाकर काफी समय बाद जाकर जो है तुषार का शव मिला। दुख का माहौल है और काफी ज्यादा परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। वाटरफॉल में डूबने से मौत हो गई।